हेलो ट्रेडर्स सो वेलकम टू वाई स्टॉक रिसर्च मेरा नाम मुकुल चौधरी है एंड एज यूजुअल डेली एनालिसिस इज बैक सो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप लोग कल सेवनटीन ऑफ डिसम्बर को ट्रेड कर सकते हैं सो so, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में ही बात करेंगे सो so, सबसे पहले आज बात करेंगे कि निफ्टी में कैसे ट्रेड किया जा सकता था एंड बैंक निफ्टी में एंड कल कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं और इस टाइम पर मार्केट की सिचुएशन क्या है सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी So, uh, सबसे पहली चीज़ अगर मैं एक पांच मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊँ एक सीधी सी चीज़ है ये तो न्यूज़ uh, के बारे में बहुत लोगों को पता ही होगा कि स्टिमुलस की न्यूज़ थी तो ये अप मार्केट में हुआ राइट अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है गैप अप्स के अंदर कि जब गैप अप उस हिसाब से नहीं चलते जो आप एक्सपेक्ट करते हो उसका मतलब ठीक है सबसे पहली चीज़ अगर मैं यहाँ से बेसिकली यहाँ पर गैप अप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि जिन लोगों ने यहाँ पर सेलिंग की है या यहाँ पर सेलिंग की है ये लोग कवर करें यहाँ पर राइट तभी मेरे को एक बाई मोमेंटम मिलेगा राइट और जिस बंदे ने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा या यहाँ पर शॉर्ट किया होगा उसको भी तो डर लगना चाहिए ना कैंडल्स ऐसा तो कुछ बता नहीं रही कि इनको डर लग रहा है यहाँ पर राइट बिकॉज देर नॉट फीलिंग है दे आर वेटिंग फॉर दे पोजिशन उनको पता है कि हम इस जोन को पहले नोट करेंगे इस जोन पर क्या होता है मार्केट में ठीक है और क्या हुआ पहली कैंडल ही रेड हो गई अप के अंदर मार्केट आप देखिए क्लोज हो रही है ऑलमोस्ट सत्रह दो सौ पे और ओपन कहाँ ऊपर हो रही है सत्रह ऑलमोस्ट थ्री फिफ्टी के पास ठीक है ना तीन सौ पचास तीन सौ साठ जो भी है मतलब इस लेवल के आसपास मार्केट ओपन हो रही है तो ऑलमोस्ट वन फिफ्टी टू वन सिक्सटी पॉइंट अप ओपन हो रही है उसके बाद भी बायर्स एडवांटेज नहीं ले पाए समझ रहे हैं एंड सेलर्स ने अपना डर भी नहीं दिखाया कि वो डर गए हैं तो उसका मतलब क्या है कौन किसकी हालत टाइट होने वाली है बायर्स की तो सबसे पहली चीज जैसे ही ये कैंडल कॉट टेकन आउट यहां पर आपकी शॉर्ट इनिशिएशन का चांस था ठीक है ये तो क्लियर है अब बहुत लोग यहाँ पर डर जाते हैं कि यार यहाँ नहीं लेना मार्केट रिवर्स कर गई ऊपर तो क्या करेंगे हमेशा मार्केट आपको दो तीन मौके देती है ठीक है आप वो कैसे समझ, समझेंगे जब भी मार्केट जब भी मार्केट गिरती है मॉर्निंग हाफ के अंदर जब वो रिकवरी लेती है अगर वो रिकवरी 50 परसेंट से लो है ये देखिए रिकवरी कहाँ तक हुई है 38.2 तक 50 परसेंट से अगर रिकवरी लो है ठीक है इसका इस रेंज का फिफ्टी परसेंट भी अगर मार्केट रिकवर नहीं कर पाई तो आप क्या करेंगे आप यहाँ पर शॉर्ट करेंगे आपका टारगेट क्या होगा ये एंड ये दैट्स इट प्रीवियस डे लो एंड द मॉर्निंग लो ये आपके टारगेट्स होंगे प्रॉफिट बुकिंग करने के ठीक है तो ये बहुत ये ये बेसिकली कुछ सेटअप्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं बार बार रिपीट होते हैं इस टाइप के सेटअप्स आप इनको आराम से बैठ के प्ले कर सकते हैं ठीक है तो एंड ये देखिए ये बात करने में बड़ा आसान लगता है बट जब आप मार्केट्स में होते हैं तब आपके हाथ काँपते हैं आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं और इन टाइप इस टाइप के डिसीजन में आपका लॉजिक काम करना चाहिए लॉजिक सिंपल है पहली कैंडल गैप अप में रेड है इसका मतलब बोल्स हार रहे हैं और बैर्स कवर नहीं कर रहे इसका मतलब बैर्स नहीं डरे 150 पॉइंट के गैप अप पे भी बैर्स नहीं डरे हैं तो उसका मतलब क्या है कि जैसे इसका लो टूटेगा यू आर गोइंग टू गो शॉर्ट आपका स्टॉप कहाँ होगा यहाँ पर तो अगर आप यहाँ पर शॉर्ट भी करते थ्री फोर्टी आपका स्टॉप समवेयर अराउंड थ्री नाइन्टी होता पचास पॉइंट का आपका स्टॉप था दैट्स इट और आपका पहला टारगेट क्या होता द फर्स्ट टारगेट वॉज कायदे से तो देखा जाए कि ये जो लास्ट स्टॉप है ये आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए बट ऑब्वियसली इट वॉज टू नियर तो ये नहीं रख सकते हम लोग तो आप लगा के लेके चलिए कि अगर सेवनटीन थ्री सिक्सटी एंड देन योर सेवेंटीन टू हंड्रेड तो आप लगा के लेखो लेके चलो कि इसका फिफ्टी परसेंट समवेयर अराउंड ये आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए एंड दिस शुड बी योर सेकेंड टारगेट ये क्या है ये है प्रीवियस डे लो एरिया ये आपका सेकेंड टारगेट होना चाहिए क्यों क्योंकि डिसीजन पॉइंट्स हैं राइट सो ये होता है निफ्टी को प्ले करने का तरीका अब एक बार हम बात करते हैं कि कल कैसे हमको ट्रेड करना है तो सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है राइट तो नाउ मैंने इससे पहली वीडियोस में भी एक चीज़ डिस्कस की है कि फॉलो द बिग बार्स ठीक है अब अगर मैं ये सारे लगातार बार्स को ऐड कर दूं तो एक बड़ा बार बनता है ये ठीक है आप ये देखिए मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पाई इसके लो तक को क्रॉस नहीं कर पाई फिर क्या हुआ दोबारा यहां पर दोबारा एक बड़ा बार बना ठीक है मार्केट फिर टूट गई अब क्या हो रहा है अब दोबारा एक और बड़ा बार बन रहा है राइट देखिए बिग बार्स क्या है बिग बार जो बड़ी कैंडल स्टिक्स होती हैं उसको बोलते हैं फॉलो द मनी आपने अगर मनी की ट्रेल समझ ली कि पैसा कहाँ कहां से आ रहा है तो आप पकड़ सकते हैं कि कौन इसमें पैसा डाल रहा है और कौन जीत रहा है तो आप ये चीज़ नोट करिए कि जैसे जैसे बड़े बार्स फॉर्म हो रहे हैं उसके लोस ब्रेक हो रहे हैं हाईज तो ब्रेक ही नहीं हो पा रहे हैं देखिए यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं हुआ यहाँ हाई ब्रेक नहीं हुआ ठीक है ना यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं हुआ और राइट तो अब आप एक चीज़ नोट करिए कि ये जो बार्स हैं यहाँ पर थोड़ा हाईज ब्रेक होना शुरू हुए हैं बट फिर दोबारा कैसी कैंडल आ गई अब दोबारा देखिए इस हाई के नीचे हम लोग सो बेसिकली बड़े बार्स को हम लोग बीट नहीं कर पा रहे हैं ठीक है और अभी एज पर ऑप्शन डेटा सेवेंटीन फोर हंड्रेड पे थोड़ी अनवाइंडिंग हो रही है पुट्स एंड कॉल्स दोनों के अंदर ठीक है तो बेसिकली एज पर डेटा अभी हम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज मोड में है एज़ पर बेयर्स एंड बुल्स बोथ ठीक है ना क्लियर इंडिकेशन नीचे की भी नहीं है और क्लियर इंडिकेशन ऊपर की भी नहीं है सो बेसिकली दिस इज मोर ऑफ अ साइडवेज मार्केट राइट नाउ और राइट बार बार हर गैप अप पे हम लोग गिर जाते हैं बार बार 200 पे जाते हैं उठ जाते हैं तो यह वाली गेम चल रही है इस टाइम पे हमारी ठीक है तो अभी हमको डेटा चाहिए हमको अपने जोन्स में प्ले करना है इसको हम बोलते हैं फेडिंग द जोन्स पंद्रह मिनट के चार्ट पर अगर मैं जाऊं तो आप ये देखिए आपके जोन्स क्या होने वाले हैं ये रहा आपका जोन जहां पर आप बाइंग के बारे में सोचेंगे और ये जो जोन है आपका यहां पर आप क्या सोचेंगे आप यहां पर सोचेंगे सेलिंग के बारे में इस जोन के पास आप क्या करेंगे सेलिंग जब तक हम लोग इसके ऊपर ट्रेड ना करें ठीक है इस जोन के पास हम क्या करेंगे बाइंग जब तक हम इसके नीचे ट्रेड ना करें ठीक है ना इसमें कुछ ऑप्शन डेटा कुछ देखने की जरूरत नहीं है बार्ज आर इनफ टू टेल यू द होल स्टोरी ठीक है ना बार बार ड्रॉप्स हो रहे हैं बार बार ड्रॉप्स हो रहे हैं ठीक है बार बार ड्रॉप्स हो रहे हैं तो दीज ड्रॉप्स आर हैपनिंग ओवर एंड ओवर अगेन तो आपका गेम प्लान कैसा होना चाहिए आपको हमेशा तीन गेम प्लान्स बना के चलने चाहिए मार्केट्स के अंदर दे शुड ऑलवेज बी थ्री गेम प्लान्स अब मैं क्या कर रहा हूँ मैं प्ले कर रहा हूँ ऑन अ फिफ्टीन मिनट ठीक है तो बेसिकली इस लेवल के ऊपर सत्रह तीन सौ अस्सी के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करती है पंद्रह मिनट में और वो भी एक ऐसी कैंडल के साथ ब्रेक देती है बेसिकली ऐसी कैंडल तोड़ती है इस लेवल को उसके बाद एक छोटा सा ऐसा कुछ पुल बैक होता है और दोबारा कंटिन्यूशन होती है मैं यहां पर बाय करूंगा इस कैंडल पे नहीं ये कैंडल बेसिकली एक फॉल्स कैंडल भी हो सकती है ठीक है तो एक प्लान तो ये हो गया कि मैं इस जोन के ऊपर प्ले करूंगा अगर गैप अप होता है या फिर मार्केट यहां खुलती है फिर ऊपर गई और यहां पर एक छोटा सा पुल बैक दिया फिर ऊपर ठीक है ना एक गेम प्लान तो ये हो गया अपना उसके बाद एक गेम प्लान क्या होगा अगर मार्केट गैप अप खुलती है और दोबारा से ऐसा ही रेड बार देती है तो आपने क्या करना है ब्लाइंड सेल आप सेल करिए ये लेवल आना ही आना है क्योंकि बीच में कुछ नहीं है बीच में सब कुछ साइडवेज है यहाँ पर बार बार आपको डराया जाएगा कि मार्केट ऊपर जाने वाली है नीचे जाने वाली है और मार्केट कहीं नहीं जाएगी मार्केट अपना पाथ फॉलो करेगी यहाँ पर आपको लगेगा कि मार्केट नीचे और गिरने वाली है मार्केट क्या करेगी मार्केट ऊपर चली जाएगी तो अभी आप एक रेंज के अंदर हैं ठीक है तो एक गेम प्लान ये हो गया एक्चुअली चार गेम प्लान बनने चाहिए एक गेम प्लान होगा अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है और उसके बाद आप यहाँ के लिए प्ले करेंगे आपने शॉर्ट करना है जैसे ही मार्केट इसके नीचे रहती है ठीक है ना दिस शुड बी योर गेम प्लान टू ट्रेड निफ्टी टुमारो तो वन इज हेयर ये गेम प्लान हो गया आपका एक ये हो गया वन टू सो दिस इज योर क्लियर गेम प्लान अगर मार्केट रेंज ब्रेक करती है तो दिस इज मोर ऑफ अ रेंज ब्रेक प्लान सेकेंड क्या होगा अगर मार्केट यहां से रिजेक्ट करती है ठीक है ना एक रेड कैंडल बनती है मार्केट रिजेक्ट करती है ऑल राइट right. और यहां पर मान लो एक ग्रीन कैंडल बनती है मार्केट ऊपर जाती है तो ये आपका होगा फेडिंग द जोन्स ठीक है ना यहां पर आप शॉर्ट करेंगे यहां पर आप बाय करेंगे इधर आप शॉर्ट करेंगे जब मार्केट तोड़ देगी इधर आप बाइंग करेंगे जब मार्केट रेंज तोड़ देगी ठीक है ना तो चार गेम प्लान आपके पास आ गए हैं बस इन्हीं को प्ले करना जब ये आएंगे राइट तो आई गेस दिस इज क्रिस्टल क्लियर क्या करना है हमको अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में सेम पैटर्न बैंक निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी इज अ वीकर वन ये आप ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी ज़्यादा कमजोर है अगेन द सेम पैटर्न अगेन द सेम पैटर्न ठीक है ना फिर से सेम पैटर्न हो रहा है शॉर्ट इजी शॉर्ट यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है एक दो तीन चार चार बार मार्केट ने इसको तोड़ने की कोशिश की और रिजेक्शन तो आप क्या करेंगे जैसे ही लो टूटेगा और गुंडू को शॉर्ट आपका पहला टारगेट क्या होगा आपका पहला टारगेट होगा ये लेवल ठीक है ना उसके बाद आपको ट्रेल करना है उस हिसाब से और उस हिसाब से आपको प्ले करना है देन सेकेंड होगा ये टारगेट दैट्स इट आप लेवल्स पे खेलिए अपने आप टारगेट्स मत बनाओ जो सबसे नियर बाय लेवल्स हैं आपके लेफ्ट पे, पे आप उनको प्ले करिए दैट्स इट ठीक है ना सेम चीज़ हुई यहाँ पर भी गैप अप वाली गेम हुई बट यहाँ पर क्या हुआ रेड कैंडल हो गई और गैप अप में रेड कैंडल हो जाए तो उसका मतलब क्या है बोल्स फेल हो रहे हैं और राइट right. अब ये देखते हैं कि हम कल क्या कर सकते हैं इसके अंदर अगेन मैं अपने लेवल्स मार्क कर लेता हूँ ठीक है मैंने लेवल्स मार्क कर लिए अपने तो अब आप एक चीज़ देखिए मेरे पास लेवल्स अपने ऑन है मार्केट ने क्या किया है मैं एक सेकेंड फिफ्टीन मिनट्स कर लेता हूँ जिससे हम और हमारे लिए नॉइस कम हो जाए ठीक है ना बा देखिए यहाँ क्या हो रहा है मार्केट यहाँ पर क्या करिए हाई लोअर हाई लोअर हाई राइट यहाँ पर लोअर हाई अब मार्केट अगर इस लेवल को ट्रेड करना शुरू कर दे यहाँ पर तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं यहाँ पर बाइंग करूंगा स्टॉप लॉस समवेयर इधर रखूँगा नीचे नहीं इधर रखूंगा अपना स्टॉप लॉस क्योंकि ये लेवल अभी सपोर्ट का काम कर रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी सबके अंदर ठीक है तो इधर मैं बाइंग करने की सोचूंगा अगर कुछ एक परसेंट ऐसा हो गया कुछ तगड़ा गैप अप हो गया मार्केट यहाँ ओपन हुई तो मैं क्या करूंगा आई विल नॉट डू एनीथिंग मैं शांत बैठूंगा मैं या तो यहां ट्रेड करूंगा या मैं यहां ट्रेड करूंगा ठीक है ना गेम प्लान क्या है या तो मार्केट ऐसे ट्रेड करना शुरू करे तो मैं क्या करूँगा बाइंग ठीक है या फिर मार्केट ऐसे ट्रेड करे तो मैं क्या करूँगा सेलिंग ठीक है या फिर मार्केट रेड कैंडल बनाए दोबारा ट्रेड करने है, तो मैं क्या करूँगा सेलिंग यहां पर मार्केट तो मैं क्या करूँगा चार गेम प्लान आधे विद यू दिस इज हाउ यू हैव टू प्ले द चार्ट्स ठीक है सिंपल सी चीज़ है स्क्रीन लीजिए इनके आपको समझ में आने लग जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं ये आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल फॉर्मेशन हुई है ठीक है तो जब तक ये बार्स नहीं निकलेंगे जब तक हम लोग डामाडोल घूमते रहेंगे ठीक है ना तो आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए कि क्या हो रहा है एंड एज आई सेड फॉलो द बिग बार फॉलो द बिग बार्स जिस भी इंडेक्स के अंदर ये चीज़ ज़्यादा क्लियर है ठीक है ना आप ध्यान रखिएगा कि उसके अंदर आप बाइंग पहले मत सोचना रिकवरी पहले आएगी आपकी निफ्टी के अंदर ही क्योंकि निफ्टी कंपेयर टू बैंक निफ्टी वीक कम है ये वीक ज़्यादा है ठीक है ना बार बार बिग बार्स बन रहे हैं बिग बार्स क्रॉस नहीं हो रहे हैं निफ्टी में एटलीस्ट क्रॉस हुए हैं फिर फेल हुए हैं तो यहाँ पर क्रॉसिंग भी अच्छी तरीके से नहीं हो रही है ठीक है तो ये एक सिंपल लॉजिक है सो uh, आई so होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो देखिए आप जब तक अपने लेवल्स अपने पास सामने नहीं रखेंगे ना क्रिस्टल क्लियर नहीं रखेंगे अपने लेवल्स को आपके लिए ट्रेडिंग थोड़ी सी मुश्किल होगी ठीक है मेरे पास भी एंट्री सुबह आई थी उसके बाद दोबारा एक री एंट्री का टाइम आया मैंने उसके बाद कोई एंट्री नहीं ली मैं चुपचाप बैठा रहा आई डिड नॉट डू एनी थिंग समटाइम्स आई हैव टू वेट टिल टू पी एम टू टेक एन एंट्री तो जो बीच में आपका ओवर ट्रेडिंग करने का मन करता है या अपॉर्चुनिटी ढूंढने का मन करता है वो मत करो आप अपने पैसे जलाने वाले हो वेट फॉर योर सेटअप वेट फॉर योर एंट्रीज और चार्ट्स को जितना क्लीन रखोगे उतना बेटर है आप देखिए बिल्कुल साफ़ चार्ट्स है मेरे मैंने इसमें कोई हज़ार चीज़ ऐड नहीं की अगर मेरे को मूविंग एवरेजेस देखनी है मुझे ऐड करनी है तो मैं कर लूंगा सीधी सी चीज़ है राइट बट आई विल नॉट मैं इसको क्राउड नहीं करूँगा बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं करूँगा अपने चार्ट को तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिलीज़ के साथ एंड नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलते हैं एंड जो मैंने आपको अभी एक दो वीडियोज में मैंने अनाउंसमेंट की थी कि मैं एक बिगनर कोर्स के साथ आ रहा हूँ जिसके अंदर आई गुडो स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स एंड बेसिकली प्राइस एक्शन का पूरा प्रॉपर बिगनर कोर्स होने वाला ये सो so, आपको मज़ा आएगा इसके अंदर एंड आपको इतनी अच्छी नॉलेज मिलेगी कि आपको कोई पेड कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है तो काइंडली वेट फॉर इट द फर्स्ट वीडियो इज़ अराइविंग इन दिस वीक इट्सल्फ तो सब्सक्राइब टू द चैनल Thank you.